हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का गेमिंग विद कबीर बॉस के एक और न्यू वीडियो में। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैजिक क्यूब हमें फ्री मिलने वाला है वो सिर्फ 15 मिनट गेम खेलने पे मिलेगा। कब मिलेगा मैं बताता रहूँगा। उससे पहले यहाँ पे जो मैं आपको दिखा दूँ, जो इवेंट में बहुत सारे इवेंट आए हैं, सब कुछ डिटेल्स में दूंगा, लाख रॉयल में भी एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो को पूरा देखते रहिए, वीडियो आपके लिए बहुत एंटरटेनिंग होने वाली है। सबसे पहले हमें क्लेम करने को फ्री में मिल रहा है एक बॉक्स और एक मास्क। मास्क तो यहाँ पे 10 आप देख सकते हैं, मैं दिखा दूंगा आपको। जो यहाँ पे है 15 मिनट सिर्फ गेम खेलने पर आपको मैजिक क्यूब मिल जाएगा। यह अभी नॉट स्टार्टेड लिखा रहा है क्योंकि अभी नहीं खेलना है आपको, अभी नहीं मिलेगा आपको। 1 बजे से ये स्टार्ट होगा, 3 बजे तक आपको, उसके बीच 15 मिनट तो आप खेल ही लोगे टाइम निकल कर। अगर आपके पास कुछ काम है तो अभी कर लो, और 1 और 3 बजे के बीच सिर्फ 15 मिनट गेम खेल लो, आपको मिल जाएगा ये मैजिक क्यूब। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ 10 डायमंड में सारे लक रॉयल में दे रहा है। तो मेरे पास 400 मतलब 450 डायमंड है और मैं इसे एलाइट पास लेने के लिए रखा था, लेकिन मुझसे अब रहा नहीं गया। जब मैंने देखा कि 10 डायमंड में यार लक रॉयल में जो स्पिन हमें मिल रहा है, तो यहाँ पे मैं स्पिन करूँगा। 10 डायमंड सिर्फ लग रहे हैं, तो इस ज़्यादा नहीं लग रहे हैं। बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट है, ये बिग एवर डिस्काउंट कह सकते हैं आप इसे। और मैं यहाँ पे स्पिन करूँगा, जैसे कि यहाँ पे मैं आ गया हूँ डायमंड रॉयल पे, और सबसे पहले मैं इनक्यूबेटर पे स्पिन करूँगा क्योंकि मुझे इनक्यूबेटर में जो मैं 5 वाला करूँगा क्योंकि 5 वाला में ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पे मैंने क्या मिलेगा कि नहीं देखता हूँ। अरे यार ये फ्रेगमेंट्स दो, एक स्टोन मिला, चलो एक स्टोन मिला। अरे ब्लूप्रिंट मिल गया, वाह, एक स्टोन और एक ब्लूप्रिंट मिल गया हमें, और सिर्फ मुझे 3 और ब्लूप्रिंट, 2 और ब्लूप्रिंट चाहिए और शायद 1 और स्टोन चाहिए। मेरे ख्याल से तो मिल ही जाएगा, अभी बहुत सारे स्पिन बाकी है। और आप अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। यहाँ पे मैं फिर से 5 वाले में नहीं, मैं एक बार डायमंड रॉयल पे भी स्पिन कर दूँ 10 वाला। पहले एक सिंगल करूँगा फिर 10 10 करूँगा, पहले सिंगल में देखता हूँ मिलता है कि नहीं। और यह पहला स्पिन, अरे नहीं मिला, चलो ये बॉक्स मिल गया, मेरे पास नहीं था लूट बॉक्स, ये मिल गया। फिर से 10 वाला करते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या निकलता है। ये नहीं है मेरे पास था, मेरे ख्याल से सिंगल में नहीं मिलेगा। आप मुझे 100 डायमंड का 10 वाला करना चाहिए, और यहाँ पे मैं 10 वाला करता हूँ। अरे नहीं मिला यार, गोल्डन बॉक्स नहीं निकला, मतलब नहीं मिला। अरे ये सब जो डायमंड रॉयल है उसमें सब नए चीज़ें आए हैं, ये सब तो नहीं है मेरे पास, नहीं थे, ये नए नए आए हैं मेरे ख्याल से। मैं सबसे पहले इन्हें क्लेम कर लेता हूँ। और अरे नहीं मिलने वाला मुझे यार, 10 में नहीं मिला तो सिंगल में कहाँ मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो वाउचर दिया जा रहा है वो भी डायमंड रॉयल वाउचर है, जो इसमें काम नहीं करते। मेरे पास और भी डायमंड रॉयल वाउचर्स हैं, मैं सिंगल करता हूँ 10 10 वाला, देखता हूँ मिलता है कि नहीं। 10 में नहीं मिला तो सिंगल में यार क्या खाक मिलने वाला है, घंटा देने नहीं देने वाले। ये कुछ डिस्काउंट तो सिर्फ दिखा हुआ है यार, रेयर आइटम नहीं देने वाला ही है। और मैं इनक्यूबेटर में भी फिर से करूँगा क्योंकि मुझे वो बंडल कैसे भी अनलॉक करना है, और मेरे पास डायमंड भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 210 डायमंड अभी बाकी है। तो देखता हूँ इनसे कुछ होता है कि नहीं। यहाँ पे नहीं, बैकपैक मिला जो मेरे पास था, फिर से 10 वाला करता हूँ, मिलेगा कि नहीं। यार नहीं मिला, नहीं मिला, मिलेगा भी नहीं। वेपन रॉयल में मैं स्पिन नहीं करूँगा मेरे ख्याल से, ये M4A1 उतना ख़ास नहीं है, इसमें एक्यूरेंसी जो है हटा दी गई है, और ये एक्यूरेंसी के बिना कोई भी गन अच्छी नहीं है। और मेरे पास M4A1 के बहुत सारे स्किन्स है जो और भी अच्छे हैं, लेजेंडरी हैं, इसमें तो इसमें एक्यूरेंसी कम कर दी गई है, तो ये मुझे नहीं चाहिए। मैं इनक्यूबेटर में डायरेक्ट एंटर करूँगा और इनक्यूबेटर में फिर से स्पिन करूँगा। मुझे सिर्फ 2 और ब्लूप्रिंट और 1 स्टोन चाहिए, बस 3 रेयर आइटम चाहिए। इसमें देखते हैं क्या मिलता है। पहला घुमरा नहीं बॉक्स मिला यार, फार्मस का पेट फूड। अरे यार एक तो रेयर आइटम दे दो, कुछ भी नहीं, इस 5ों में एक भी रेयर आइटम नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला यार, कुछ भी नहीं मिला। फिर से करता हूँ 5 वाला, देखता हूँ मिलता है कि नहीं, फिर से करता हूँ। अरे दे दे यार, मेरे पास तो बहुत सारे बंडल है, बहुत सारे कॉस्ट्यूम है, लेकिन मुझे ये चाहिए बैजेस। अरे बैजेस किसको चाहिए। 1 स्टोन मिला, चलो 1 स्टोन मिला। अब सिर्फ 2 और ब्लूप्रिंट, 2 और ब्लूप्रिंट चाहिए, सिर्फ 1 स्टोन मिला मुझे, ये देख सकते हैं 1 स्टोन मिला। फिर से करता हूँ, सिर्फ 2 और ब्लूप्रिंट चाहिए, मैं सिर्फ 2 और ब्लूप्रिंट, और मैं ये बंडल अनलॉक कर दूँगा। चैनल पे नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, कोई भी फेक वीडियो नहीं है, रियल वीडियो है। ऊपर देख सकते हो मेरा ही जो है अकाउंट है, मैंने फिर से 5 वाला किया,
देखता हूँ क्या मिलता है इसमें। यार आइटम पहले वाला घूम रहा है, कहाँ जाएगा कहाँ जाएगा, रुक जा। अरे यार यहाँ नहीं रुकना था। अरे यार भाई जिस एक भी रेयर आइटम, चलो एक स्टोन मिल गया। अब एक ही ब्लूप्रिंट चाहिए, चलो एक स्टोन मिल गया। अब सिर्फ एक दो ब्लूप्रिंट चाहिए, सिर्फ दो ब्लूप्रिंट। स्टोन मेरे पास 7 हो गया है, 7 स्टोन मिल गया, नहीं 8 हो गया है मेरे ख्याल। स्टोन बहुत ज़्यादा दे रहा है यार। अब फिर से करते हैं, देखते हैं कि एक ही ब्लूप्रिंट चाहिए, दे दे यार गारीना प्लीज़। इसमें क्या मिलने वाला है? अरे रुकना रुक जा। अरे पेट फूड यार, पेट फूड किसे चाहिए यार? पेट फूड तो इन्होंने भर रखा है गेम में। पहले पेट फूड नहीं मिलता था, हमें ख़रीदना पड़ता था, अब तो पेट फूड फ्री मिल रही है। आप एक भी रेयर आइटम नहीं दी यार, इतना डायमंड वेस्ट। अब सिर्फ 20 20 डायमंड बचे हैं मेरे पास, सिर्फ दो सिंगल स्पिन में मिलेगा कि नहीं यार? 5 वाला हमें नहीं मिला, दो में दो ब्लू प्रिंट दे दे करीना प्लीज़ यार, ऐसा मत कर मेरे साथ। नहीं पेट फूड दिया है, ये कुछ घंटा देने वाला नहीं है, हमारा सारा डायमंड खा जाएगा यार ये। इसमें देखता हूँ इसमें देता है कि नहीं। वाह गाइस, मुझे 3x ब्लू प्रिंट मिल गया, देख सकते हो आप, 3x ब्लू प्रिंट गरीना। अब बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, अब चाहता हूँ इनक्यूबेटर में एक भी बंडल अनलॉक कर लेता हूँ, कोई भी एक बंडल। क्या करूँगा मैं इतना स्टोन और एक ब्लू प्रिंट से? इससे अच्छा तो मैं एक बंडल अनलॉक करके ही रख लूँ। जब मैं एंटर करता हूँ जहाँ पे, मुझे दूसरा वाला सबसे पसंद था यार, मुझे सिर्फ दो ही ब्लू प्रिंट चाहिए था, सिर्फ स्टोन। इतना सारा स्टोन और बेजेस दिया है इन्होंने गरीना ने यार। ये दूसरा वाला, तीसरा वाला मुझे पसंद नहीं, क्योंकि उसके पीछे जो है ना वो मुझे पसंद नहीं आया, मुझे दूसरा वाला चाहिए था। और ये नहीं, कोई नहीं, तीसरा वाला मैं फीमेल का बंडल अनलॉक कर दूंगा, क्योंकि मेल का बंडल मेरे पास बहुत सारा है, और मैंने पिछले इनक्यूबेटर में भी फीमेल का बंडल अनलॉक किया था। उससे पहले कि इनक्यूबेटर में भी मैंने फ़ीमेल का बंडल अनलॉक किया था, तो इसमें भी मैं फ़ीमेल का बंडल ही अनलॉक करूँगा, क्योंकि यार मेल से फ़ीमेल का बंडल बहुत खूबसूरत है और बहुत सुंदर लगती है। इसमें जो भी लड़की का करेक्टर है, मैं इस पर जो लड़की का करेक्टर है वही अनलॉक करूँगा। इसमें देखता हूँ कितना रियलिटी है यार, पबजी में तो सब कार्टून की तरह दिखते हैं, लेकिन फ्री फायर में आप देखो ये आंखों का पलके झपकना, ये सब कुछ इंस्टॉल करके रखा है गरीना ने इसमें सब कुछ, ये फीचर्स कितना अच्छा है। तो मैं ये कर लूँगा, जो एक्सचेंज कर लूँगा, मतलब ये वाला बंडल इनक्यूबेटर में तो मुझे कुछ घंटा मिला नहीं, पहले वाले में तो 3 रेयर आइटम मिल गए, लेकिन बाद में जो भी था सब कुछ बकवास बकवास देते गए गरीना। ये मैंने कर लिया है, ये लोरा पे लगाऊंगा मैं, और मेल फीमेल करेक्टर हो तो लोरा यूज़ करता हूँ, और मेल करेक्टर हो तो एंड्री यूज़ करता हूँ। और जो बेस्ट करेक्टर, बेस्ट बेस्ट करेक्टर के बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए कि कौन सा करेक्टर सबसे अच्छा है, कौन सा स्किल किस पे मैच करती है, किस पे सबसे अच्छी है, तो उस बारे में मैं वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मेरे जितने भी गिल्ड के बंदे हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, सब लोग मैं जैसे ही यूज़ करता हूँ करेक्टर स्किल रखता हूँ, सब लोग वैसे भी रखते हैं। और ये मैं यहाँ पे लोरा पे जो है वो लगाऊंगा, देखूंगा कि मुझे कैसे दिख। प्लीज़ यार वीडियो को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बहुत डायमंड वेस्ट हो गया, बहुत मेहनत लगा है, प्लीज़ सब्सक्राइब।